दोस्तों, आपने नया पीसी चला रहे हैं या पुराना पीसी चला रहे हैं या लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो, उसको एकदम फास्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी दोस्तों आप देख लेना दोस्तों, यानी आपको इधर नीचे जो टैब रहता है ना, इधर रन कमांड टाइप कर दीजिए, उसमें रन कमांड में आप जाइए दोस्तों, इसमें ms config बोल के आपने टाइप करिए दोस्तों, आपको दिखाई देती है ms config, आपको स्पेलिंग देखिए ms config, ठीक है जी। इसमें आप चला जाइए, ओके कर दीजिए, आपको इस तरीके से एक विंडो आ जाती है। आप सीधा चला जाइए दोस्तों बूट में, बूट में आप चला जाइए, देखो इसमें एडवांस में चला जाइए दोस्तों, इसमें आपको देखो इधर देखो नॉर्मल डिसेबल्ड रहता है, इसको इनेबल करिए दोस्तों, और इसमें जितना नंबर ज़्यादा है यानी मैक्सिमम नंबर उसको बढ़ा दीजिए दोस्तों, इसमें 8 कोर तक है दोस्तों, उसमें सारे प्रोसेसर को आपने इनेबल कर दीजिए, ओके कर दीजिए और रीस्टार्ट कर दीजिए आपका पीसी, आपका पीसी एक नंबर का स्पीड में चलेगा दोस्तों। और दूसरा और एक तरीका मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, जितना भी टेम्प फाइल है वो आपको क्लीन करने के लिए टेक्नोलॉजी आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। आप नॉर्मली आप डेस्कटॉप में राइट क्लिक कीजिए, डिस्प्ले सेटिंग्स में चले जा करके, और आपको इस तरीके से एक विंडो आती है, आपको इधर देखो स्टोरेज में चले जाइए दोस्तों, देखो स्टोरेज, स्टोरेज में जाने से आपको इसमें कई सारे स्टोरेज आपको दिखाई देती है, और इसमें टेम्प फाइल्स बोल के आपको दिखाई देते हैं, देखो टेम्प फाइल्स, टेम्प फाइल्स में क्लिक करिए दोस्तों, इसमें कई सारे अननेसेसरी फाइल्स आपको रहेंगे, जैसे आपको विंडोज का अपडेट किया वगैरह वगैरह, ये लोग सी ड्राइव में स्टोर कर रखे रख देती है। देखो ये आप देखिए विंडोज़ का अपडेट क्लीन अप है दोस्तों, 3.7 GB अननेसेसरी सी ड्राइव में है, कोई काम का नहीं। तो ये सब आपने यानी इधर से रिमूव फाइल्स में क्लिक करके आपको रिमूव कर सकता है दोस्तों। आप रिमूव करने के टाइम एक बार पढ़िए नीचे कौन कौन सा फाइल टिक रिमूव करना नहीं करना है, ठीक है जी। और एक तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको इसमें देखो स्टोरेज के अंदर ही देखो इधर एक ऑप्शन और मिलती है, कॉन्फिगर स्टोरेज एंड सेंस और रन इट नाउ, उसमें क्लिक करिए दोस्तों। इसमें आपको इधर दिखाई देते हैं टेम्प फाइल्स का और एक डिलीट टेम्पररी फाइल्स का, इसमें आपको देखो यानी रीसेंट टेम्पररी फाइल्स इन माई एप्स आर यूजिंग डिलीट फाइल्स रिसाइकल बिन वगैरह में है ना, इसमें आपको टाइम दे सकता है, इसमें देखिए आपको 1 डे में डिलीट करना है, 14 दिन रखना है, यानी इस तरीके से आपको टाइम सेलेक्ट कर सकता है। और डाउनलोड्स बहुत सारे हमने डाउनलोड्स किया, अननेसेसरी डाउनलोड्स चाहिए भी नहीं आपको, इसमें भी आपको डेट फिक्स कर सकता है, फिर सेव कर सकता है, और क्लीन अप करना तो क्लीन अप भी कर सकते हैं आपको यहाँ यहाँ से। तो इस तरीके से आपने करने से आपका पीसी एक नंबर का मतलब स्पीड में चल जाएंगे दोस्तों, आप यूज़ करके देखिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।